परेश शारदान भारती। सजना है मुझे सजना के लिए, हाय रब्बा इतनी क्यों सुंदर हूँ मैं, क्यों इतनी सुंदर हूँ हाय रब्बा क्यों। कभी कभी तो मुझे डर लगता है चैनल वाले कहीं पूर्वी को निकाल के मुझे ना रख लें। ये सब मजाक था शेखर जी। सजना संवरना सिर्फ ऐसी लड़कियों का हक है। अगर ऐसी लड़कियां चेहरे पे मेकअप करती हैं तो मेकअप लगता है, अगर मैं मेकअप करके इनके बीच में बैठती हूँ ना तो ऐसे लगता है जैसे सैलड के बीच में तरबूज सजाया हुआ है। खैर शेखर जी, हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी सपनों के राजकुमार से हो, होता है ना, पर मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है। मेरा सपना है कि मेरी शादी राजा से हो, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो 2-3 राजकुमार तो हो ही जाएंगे। खैर मेरी सेहत से आपको कैसा लग रहा है, अच्छी लग रही हूँ ना, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, कितनी प्यारी हूँ फिर भी मैं। खैर मेरी शादी राजकुमार से नहीं राजा से हुई है, वो ऐसा राजा है जो महासंग्राम में बिजी रहता है। मिला दूं आपको? रोहित। काफी बिजी रहते हैं ना। रोहित डार्लिंग। अबे और रोहित के बच्चे। बोल VLCC की फ्लॉप मॉडल बोल। इतनी देर से आवाजें लगा रही हूँ, मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहे थे? गाड़ियां साफ कर रहा था। कृष्णा और सुदेश कभी भी आते होंगे लेने के लिए। हे भगवान। नाइस वन। तुम कृष्णा सुदेश को गाड़ियां दे दे के नहीं थकते, और वो ऐसे बेशर्म है कि गाड़ियां ले लेके नहीं थकते। क्या करते हो इतनी गाड़ियों का? ख्याल ही, और ठाकुर को बेचते हैं ब्लैक में, उन लोगों को मिलती नहीं है ना। अच्छा हाँ। मिलती तो बेचारे राजीव निगम को भी नहीं है। हाँ लेकिन वो चोरी का माल इस्तेमाल नहीं करता ना। अच्छा अच्छा। खैर छोड़ो। आप सब सोच रहे होंगे कि मेरे रोहित डार्लिंग ने अपने आप को मेंटेन कैसे रखा हुआ है। डार्लिंग सबको बताओ। मेंटेन? अरे वैसा दिखता था मैं, वैसा अर्चना जैसे डोले थे मेरे, खली से ख्याल ही बना के रख दिया मुझे। अरे उसे गन्ने की मशीन में डालो ना तो दूसरी तरफ से ऐसा निकलता है। क्या हाल कर दिया मेरा इसने। स्वीटू भूल गए हमारे दो बच्चे हैं, कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। अरे तो मैंने डिलीवर थोड़ी किया जो मेरी हालत ऐसी हो गई। तुझमें फर्क क्यों नहीं आया? भूल गए, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं कभी नहीं बदलूंगी। देखो अभी भी नहीं बदली मैं, वैसी की वैसी ही सुंदर हूँ। और तुमने भी तो कहा था जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। भारती तुम्हें हमेशा खाना पड़ेगा। बस मैं खाती रही। मेरी अकल पे पर्दा पड़ गया था जो इस भैंस से शादी कर ली मैंने। अकल का पर्दा नहीं, फिल्म का पर्दा पड़ गया था तुम्हारी आंख में। अच्छा तुमने सोचा गोलमाल थिएटर में चले ना चले, ये गोलमाल घर में हमेशा चलता रहेगा। ये तो चली नहीं, लेकिन मुझे इतना चलाया कि चलते चलते मैं घिस गया। रोहित ए भगवान मुझे उठा ले। बाद में उठाने की बात करना, पहले मुझे उठाओ और चलो अंदर छोड़ के आओ। भारती 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 उठ। अरे रिहर्सल करनी है, तू फिर सपने देखने लगी। हे भगवान शरद तुम्हारी टाइमिंग इतनी गलत है ना, अच्छे भले एक्ट की भी वाट लगा देते हो, फिर इतने अच्छे सपने की भी वाट लगा दी। सुनो डेंजर जोन की वाट नहीं लगा सकते, सीधे मार्क्स मांग लो बाबा। हाँ थैंक यू। राजीव एंड राजेश गिव इट अप फॉर देम। अबे डेंजर जोन है ट्रेड मिल नहीं जो सुबह सुबह आके लग जाता है। अरे यार क्या हो गया, क्या मानसिक संतुलन तेरा ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है, कुछ भी बके जा रहा है। अबे मैं कम से कम कुछ बक तो रहा हूँ, तू भी तो कुछ करना, भूखड़ कहीं का। उसको भूखड़ कहां से नजर आ रहा हूं भाई मैं? शेखर जी पिछले एपिसोड में 2 पन्ने अकेले ठूस लिए थे। 7 फीट 44 इंच की औरत बन के खड़ा हो गया करके। औरत ऐसी होती है एकदम सेरेना विलियम्स की चाची लग रही थी, दरियाई घोड़ी। क्या तुझे बेइज्जती अगर करनी है ना तो सुरिंदर के कर, मेरी अगर बेइज्जती करेगा ना मैं ये शो छोड़ के जा रहा हूँ। छोड़ के जा रहा क्या?
खिकी खिकी है क्या? ये ऐसा लग रहा है जैसे डेंजर जोन में नहीं खड़ा, अपने घर की बालकनी में खड़ा हुआ है। और सोनी वाले आकर किसके हाथ पैर जोड़ रहे, प्लीज छोड़ के मत जाओ, प्लीज छोड़ के मत जाओ, चैनल की हालत खराब है, आप चले जाओगे तो क्या होगा? तू ये शो में रहेगा तो करेगा क्या, क्या करेगा तू? मैं लोगों को हंसाऊंगा। तू हंसाएगा? हाँ। तो अभी तक क्या कर रहा था? तेरे अंदर है क्या? मेरे अंदर जान है। अबे तू सीमेंट की पोटली, मैं पूछ रहा हूँ टैलेंट क्या है तेरे अंदर? अबे ये 2.5 किलो का हाथ है, अगर किसी पे पड़ गया ना तो हाथ में उठता नहीं उठ जाता है। अरे वाह। सर सर ये राम प्रसाद नहीं श्याम प्रसाद है सर। सर मुझे क्या लगता है कि मेरे अंदर ना टैलेंट बहुत कूट कूट के भरा है। मक्कर की मिट्टी से जन्म लेने वाले गद्दारी के पौधे तुम्हारे दिमाग के ठोकरे में बुद्ध क्या ठन्नी भी नहीं गिरते। हरण जी का डांस दिखा जरा। सेनाई बजा सकता हूँ। अच्छा तारिक शाह परीक्षित सानी रवि बैल इनकी आवाज भी निकाल सकता हूँ। बोल प्लीज मत निकालना। नहीं मतलब बोल? निकाल लेता तो निकालता क्यों नहीं है।